हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले हम करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट, तो क्या होगा, kx स्क्वायर - 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम निकालेंगे पहले a की और c की वैल्यू, तो हमारे पास यहां a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि k, b हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस 2k, एंड c हो जाएगा हमारे पास 6। हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू और हमें गिवन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या लिखेंगे हम, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारे रूट्स रियल और इक्वल है तो d क्या होता है हमारा, d इक्वल्स टू 0, और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू पुट करते हैं a b और c की, तो b है हमारे यहां पर माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा k, x c है हमारा 6 इक्वल्स टू 0। तो स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का क्या बन जाएगा, प्लस 4, a का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, x6 for the 24 and k as it is equals to 0। हमें क्या करना है, यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहां पे देखिए 4 और k दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो यहां से कॉमन पता जाएगा 4 k, 4 इधर कॉमन आता है, यहां क्या हो जाएगा हमारे पास ओनली k, यहां हो जाएगा हमारे पास माइनस 6, तो यहां क्या हो गया, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, या तो ये जीरो होना चाहिए या फिर ये जीरो होगा, तभी क्या होगी, इक्वेशन पूरी जीरो होगी। तो फॉर तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या लिखते हैं, फॉर के इज इक्वल्स टू 0 एंड के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या देखिए, यहां से फॉर मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 0 अपॉन 4 के क्या आ जाएगा 0, एंड सिमिलरली माइनस 6 कहां जाएगा, प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 6। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6, यानी कि 0 और 6 के बीच की हमारे पास k की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर a क्या हो जाएगा हमारा, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहां पर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। b क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 1, क्योंकि b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट टर्म यानी कि a स्क्वायर। और हमें गिवन है जो रूट्स वो क्या है, रियल एंड इक्वल है, या लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और यदि हमारे रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो इसका मतलब हमारा जो d होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू 0, और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये माइनस 2k प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट पहले से क्या रख देंगे हम, क्लोज ब्रैकेट यहां पर लगा देंगे, माइनस 4, a है हमारे पास 1, यहां 2 करेंगे 1, और c है हमारे पास k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, पहले से प्लस में आएगा, तो इसको ओपन करेंगे तो लिखते हैं एक बार 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 मतलब 4, 4 into k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है यहां पर हमारे आइडेंटिटी लगेगी जिसका नाम है a प्लस b का होल स्क्वायर, जो क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2k का होल स्क्वायर, तो 2k का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2, a है हमारे पास 2k और b है हमारे पास 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, एंड माइनस 4k स्क्वायर एज इट इज यानी कि माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस एज इट इज 2 टू द 4, 4 * k 4k, एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल यानी 0, तो क्या बचेगा, 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू
डी क्या हो जाएगा -1/4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस वैल्यू के लिए हमारे जो रूट क्या हो जाएंगे दिए हैं इक्वल। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² + kx + 3 = 0। हमें क्या करना है यहां पर, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि हमारे रूट क्या हो जाए दिए हैं इक्वल हो जाए। तो करते हैं, सबसे पहले हम a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k एंड c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और हमें क्या गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो लिखेंगे यहां पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल हो तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d क्या होता है 0 के इक्वल होता है और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac = 0 और b क्या है हमारे पास k, यहां है k का स्क्वायर माइनस 4 और a है हमारे पास 2 एंड c है हमारे पास 3 = 0। तो k स्क्वायर हो जाएगा एट एज 4 * 8 = 24। तो k स्क्वायर माइनस 24 क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। हमें यहां पर पता होना चाहिए जितनी हमारी k की हाईएस्ट पावर होती है उतने क्या होंगे हमारे रूट्स होंगे यानी कि k की वैल्यू होगी। तो k की वैल्यू, k की पावर हमारे पास क्या है 2 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2 आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं ये k किसका स्क्वायर है, k अपने आप का स्क्वायर है क्योंकि ये पूरा और स्क्वायर है और 24 किसका स्क्वायर है अगर हमें नहीं पता तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 24 का फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 से करेंगे हो जाएगा 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे 1। इससे क्या बन जाएगा हमारे पेयर बन जाएगा तो क्या बचेगा 2√6। तो इसका होल स्क्वायर ये हमारे पास 2√6 का होल स्क्वायर है। तो वापस हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको ओपन करके तो क्या आएगा 24 आएगा कैसे 2 + 4 = 24 = 0। तो ये क्या बन चुका हमारे पास a² - b² तो a² - b² का आइडेंटिटी क्या होती है हमारी एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो हमारे पास ये तो दे रखा है a² - b² में क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है इसमें तो ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ तो हो जाएगा a प्लस 2√6 और एक बार a माइनस 2√6 = 0। ये पूरी इक्वेशन जीरो कब होगी जब या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। एक बार करते हैं इसको जीरो तो k प्लस 2√6 = 0 और एक बार k माइनस 2√6 = 0। इससे k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2√6 और इससे क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा +2√6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा k + 1 x² - 2 इन ब्रैकेट k - 1 x + 1 = 0। हमें क्या करना है यहां पर भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो निकालते हैं k की वैल्यू से पहले ये लिखेंगे ये कितना आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि k प्लस 1 एंड b आ जाएगा हमारे पास माइनस ये आ जाएगा हमारे पास -2 ब्रैकेट k - 1 एंड c आ जाएगा हमारे पास 1। तो a b और c की वैल्यू आ चुकी है और हमें गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब b क्या होगा हमारे पास = 0 और अगर b 0 है तो मतलब b² - 4ac क्या होगा 0 और b की वैल्यू क्या है -2 (k - 1) सॉरी यहाँ पर x नहीं आएगा तो लिखते हैं यहाँ -2 (k - 1) क्या करना है हमें स्क्वायर करना है माइनस एज इट इज फॉर एज इट इज a कितना है हमारे पास a हमारे पास k + 1 एंड c हमारे पास 1 = 0। हमें करना है इसका होल स्क्वायर ओपन तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और हमेशा क्या है स्क्वायर पॉजिटिव आएगा इसका स्क्वायर करेंगे इससे पहले कि बने इसमें जेडी जेड बार एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर को करेंगे मल्टीप्लाई 4 × 4 एंड 4 × 2 क्या जाएगा -4k एंड 4 को करेंगे 1 से क्या जाएगा -4 = 0। अब करते हैं इसका होल स्क्वायर को ओपन a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से तो ओपन करें इसको 4 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज k माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस b की होल स्क्वायर आइडेंटिटी से
a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a कितना है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड माइनस 2ab यानी कि हो जाएगा माइनस 2k एंड माइनस 4k माइनस 4 एलिमेंट माइनस 4k माइनस 4 एलिमेंट यानी कि इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं फॉर पूरे से, तो 4 * 2k का हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 अंदर 4 एंड 4 अंदर 8k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास 4k स्क्वायर, दोनों लाइन टर्म्स है माइनस 8 एंड माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 12, तो माइनस 12k इज इक्वल्स टू 0। तो यहां हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है और हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो कितनी वैल्यू आएगी देखिए हमारे पास 2 आएगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन और 4 भी आ रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा यहां पर k, यहां बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको चेक करेंगे और एक बार इसको चेक करेंगे, तो 4k इज इक्वल्स टू 0 एंड एक बार k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इससे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन 4 यानी कि k इज इक्वल्स टू 0 एंड यहां आ जाएगा k की वैल्यू 3, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा k प्लस 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां हमें भी क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम a की वैल्यू लिखते हैं, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा k प्लस 4, b क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि k प्लस 1 एंड c हो जाएगा हमारे पास 1। और हमें गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स रियल और इक्वल है तो b क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 0, और d 0 मतलब क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये भी हो जाएगा हमारे पास 0। तो b कितना है हमारे पास k प्लस 1, हमें करना है b का स्क्वायर, तो हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, और a है हमारा k प्लस 4 यानी कहेंगे k प्लस 4 एंड c है हमारा 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसको और इसको आइडेंटिटी ओपन करना है, तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और डायरेक्ट कर सकते हैं इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 1 और 2ab मतलब 2 into a into 1 यानी कि प्लस 2k एंड 4 बन जाएगा 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करनी है k प्लस 4 से, तो माइनस 4 into k हो जाएगा 4k प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो रहेगा एज इट इज a स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2 क्या हो जाएंगे माइनस के 15, इसको लिखते हैं यहां पर एंड प्लस 2k माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है यहां से k की वैल्यू निकालनी है, और क्या बन चुकी है हमारे यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है तो क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 15 एंड माइनस करने पर क्या आना चाहिए 2, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए क्या, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए और सबट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए, तो कौन है 5 एंड 3। क्या लिखते हैं k स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो 5 एंड 3 k की टर्म में क्वेश्चन है क्या लिखेंगे k और यहां पर भी k माइनस पे यहां पर करेंगे माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस साइन के बजाय करने वाला चेंज, तो माइनस 5k यहां हो जाएगा प्लस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट में कॉमन, तो फर्स्ट में कॉमन हमारा आएगा यहां से यहां तक k में आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा k कॉमन आ जाएगा, यहां k कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा k माइनस 5 और यहां 3 कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों यहां तक अगर सेम आते हैं इसका मतलब आपने यहां तक सही किया है। अब हमें क्या करना है इस k माइनस 5 को पूरे में से कॉमन ले लेना है, तो आ जाएगा k माइनस 5 यहां बचेगा k और यहां बचेगा 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको चलो लिखेंगे और एक बार इसको चलो लिखेंगे, तो k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और k प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
इससे के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 एंड इससे के की वैल्यू एंड इससे के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है kx2 - 5x + k = 0। सबसे पहले करेंगे a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास k, b की वैल्यू आएगी -5 एंड c की वैल्यू आएगी हमारे पास कांस्टेंट w यानी कि k। हमें गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर हमारे रूट्स रियल और इक्वल हो तो हमारा d क्या होता है 0 के इक्वल, और d 0 है तो मतलब b² - 4ac ये भी क्या होगा 0, और b कितना है हमारे पास माइनस का 5 यानी कि -5 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। एंड फॉर एज इट इज a हमारे पास k एंड a है हमारे पास k एंड c है हमारे पास k, इसको लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर = 0। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 - 4 एज इट इज k * k बन जाएगा k² = 0। अब या तो क्या करें हम यहां पर k की वैल्यू निकालनी है तो या तो ब्रैकेट को उधर भेज देते हैं या -4k² को उधर भेज देते हैं। मैं यहां भेज दूं -4k² को उधर, तो 25 = क्या आ जाएगा +4k². तो हमें यहां से निकालना है k की वैल्यू, तो फॉर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिवाइड में यानी कि 25/4 क्या आ जाएगा k² हमें निकालना है यहां से k की वैल्यू, तो जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर बन जाएगा √25/4, और हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू प्लस एंड माइनस दोनों में होती है, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी ±2 होता है 5 एंड 4 होता है 2, तो k की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास तो कौन-कौन सी +5/2 एंड -5/2। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए